नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अनीता कावड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज बच्चों बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत हम राजस्थान का दुर्ग स्थापत्य पार्ट टू में आज हम विशेषतः कुंभलगढ़ और मेहरानगढ़ के दुर्ग पर चर्चा करेंगे। कुंभलगढ़ का दुर्ग पहले हम ले रहे हैं और कुंभलगढ़ की दुर्ग के बारे में हम दुर्ग का इतिहास क्या है और स्थापत्य कला से संबंधित विशेषताओं को देखेंगे। स्थापत्य कला से संबंधित मंदिर, भवन, महल, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कुंभलगढ़ का दुर्ग, इसका सर्वप्रथम ये कहाँ पर निर्मित है, किसने इसे बनाया और उसका इतिहास क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें हम देखने वाले हैं। तो कुंभलगढ़ दुर्ग, ये एक तरह से कुंभलमेर या कुंभलमेरु भी से कहते हैं और ये विशेष रूप से राजस्थान के अभेद दुर्गों में महत्वपूर्ण दुर्ग है और साथ साथ गिरी दुर्ग का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये उदयपुर से लगभग 60 मील की दूरी पर सादड़ी गांव के पास स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने 1458 ईस्वी में मंडन नामक शिल्पी की देखरेख में बनवाया था और राजस्थान के प्रमुख दुर्गों में से ये भी एक महत्वपूर्ण दुर्ग है, जो कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण और सुरक्षा की दृष्टि से ये एक सुरक्षित दुर्ग माना गया है। इस दुर्ग की विशेषताएं क्या हैं, इसे हम सबसे पहले देखना चाहेंगे। इस दुर्ग का, जैसा हमने कहा कि कुंभा ने मंडन नामक शिल्पी के निर्देशन में इसका निर्माण करवाया था और पहाड़ी दुर्ग होने की वजह से ये कुंभलमेरु भी इसे कहते हैं। चित्तौड़ दुर्ग की अपेक्षा ये दुर्ग और अधिक विलक्षण है, क्योंकि ये कई छोटी मोटी पहाड़ियों को मिलाकर बनाए गए हैं। कुंभलगढ़ की प्रशस्ति में इन पहाड़ियों के नाम नील, श्वेत, हेमकूट, निषाद, हिमवत आदि दिए हैं। तो चारों तरफ पहाड़ियों और घाटियों से घिरा होने के कारण ये दुर्ग हमें दूर से दिखाई नहीं देता। जैसे चित्तौड़ का दुर्ग दिखाई देता है, ऐसे नहीं दिखाई देता। इस दुर्ग की भौगोलिक स्थिति के कारण इसका विशेष सामरिक महत्व भी है और शत्रु के आगमन के समय मेवाड़ के राज परिवार, उनकी जनता, उनकी संपत्ति, इन सब की सुरक्षा के लिए ये दुर्ग बनवाया गया था। महाराणा कुंभा ने इस किले का निर्माण करवाया था, लेकिन ऐसी भी मान्यता है कि प्राचीन काल में एक जैन राजा संप्रति ने 3rd शताब्दी ईस्वी के करीब इसको बनवाया था और यहाँ से प्राप्त खंडरों से मिलने वाले मंदिर के अवशेष इसकी अति प्राचीनता को भी प्रमाणित करते हैं। महाराणा ने मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा में इसका निर्माण करके इसके सैनिक महत्व में योगदान दिया है और इस प्रकार दुर्ग का उपयोग सैनिक सुरक्षा और आवास दोनों के लिए किया जाने लगा था। दुर्ग पर यदि हम निकलते हैं, जाते हैं दुर्ग के लिए, तो केलवाड़ा नामक कस्बे से पश्चिम की ओर एक सड़क जाती है, उस पर 1 मील चलने के बाद आर्टे पोल आता है जो दुर्ग का प्रथम द्वार है। इस पोल के लगभग 1 मील बाद दूसरा द्वार आता है जिसे हल्ला पोल कहते हैं। ये दुर्ग की सुरक्षा के लिए पहाड़ी भाग में एक तरह से रुकावट द्वार है। यहाँ से चलने के बाद दुर्ग का मुख्य फाटक आता है जिसे हनुमान पोल कहते हैं और इसी के बाद मांडीयपुर से लाई गई हनुमान जी की मंदिर मूर्ति स्थापित की गई है और वहाँ पे एक मंदिर नुमा बना हुआ है। इसके बाद विजय पोल, राम पोल आता है जहाँ से दुर्ग का भीतरी भाग शुरू होता है। दुर्ग के चारों ओर सुदृढ़ प्राचीर बनी हुई है और जिससे दुर्ग के द्वार के अतिरिक्त कहीं भी
इससे प्रवेश संभव नहीं है। दुर्ग की दीवारें ऊंची ऊंची चट्टानों पर बनी हुई है, जिसके आसपास नीचे खाइयां हैं, गहरे गड्ढे हैं। तो संपूर्ण दीवार पर सुदृढ़ बुर्जी भी बनाई हुई है। ऐसा कहा जाता है कि दीवार इतनी चौड़ी है कि चार घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद भैरव पोल, नीबू पोल, चौगान पोल, पाखड़ा पोल और गणेश पोल आती है। गणेश पोल के साथ ही दुर्ग का चौरस भाग में दिखाई देता है। दुर्ग के चौरस भाग में स्थापत्य कला के नमूने दिखाई देते हैं, जो यद्यपि अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं। यहाँ पर स्थापत्य कला की दृष्टि से नीलकंठ महादेव का मंदिर, जो कि नागर शैली में बना है, ये महत्वपूर्ण है। ये मंदिर चारों ओर बरामदों से घिरा हुआ है और इसमें एक 12 हाथ वाली देव प्रतिमा है। ऐसे बरामदे वाले मंदिरों को प्रथम बार जब कर्नल टॉड ने देखा था, उन्होंने अनुमान लगाया था कि ये यूनानी शैली का है, किंतु ये साधारण नागर शैली का है। दुर्ग का जो सबसे महत्वपूर्ण स्थापत्य का नमूना में दिखाई देता है, वो है यज्ञ वेदी। मरणा कुंभा ने इस वेदी का निर्माण शास्त्र विधि से करवाया था और इस दुर्ग की प्रतिष्ठा का यज्ञ भी यहीं पर हुआ था। जो सबसे बड़ी बात है, ये वेदी जो है दो मंजिला भवन है, जिसके ऊंचे गुंबद के बाद नीचे के भाग में धुआं निकलने के लिए चारों ओर भाग बना हुआ है। यज्ञ वेदी के चारों ओर पंडितों और दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है। दुर्ग की ये वेदी प्राचीन यज्ञ की परंपरा को भी दर्शाती है। दुर्ग के नीचे भाग में जलाशय, खेत ये भी बने हुए हैं और उनका संबंध भी नालियों से जोड़ दिया गया है। तो आपातकालीन स्थिति में इन जलाशयों का प्रयोग दुर्ग की खेती की सिंचाई के लिए होता था। इसके अलावा यहाँ पर मामा देव का कुंड भी है। इस कुंड का निर्माण महाराणा ने भामावट के स्थान पर कुंभ स्वामी का विष्णु मंदिर बनवाया था। इसी के पास कुंवर पृथ्वीराज का स्मारक है, जहाँ एक छतरी बनी हुई है और ये छतरी 12 स्तंभों पर आधारित है। छतरी के नीचे लगभग 3 फुट चौड़ा और 1.5 फुट चारों ओर से चौड़ा और ऊपर से नुकीला एक स्तंभ लगा हुआ है, जिसमें चारों ओर हजारों स्त्रियों और उनके बीच में चारों तरफ पृथ्वीराज की मूर्तियाँ अंकित की गई हैं। ये स्तंभ 15वीं शताब्दी के सामाजिक जीवन और वेशभूषा पर प्रकाश डालता है। छतरी पर एक गोलाकार गुंबज है, तो ये 15वीं शताब्दी की राजपूत शैली पर आधारित है। दुर्ग की जो प्रमुख विशेषता है, इसके अंदर एक और गढ़ बना हुआ है जो ऊंचे भाग पर निर्मित है और इसे कटारगढ़ कहते हैं। ये गढ़ प्राचीरों, द्वारों आदि से सुरक्षित है। इसमें राजप्रासाद भी है और इसके भीतरी भाग में प्रवेश करने पर पहले एक देवी का मंदिर आता है और फिर इस दुर्ग में टेढ़े मेढ़े रास्ते को जोड़ने वाली कई पोले हैं, जिनमें विजय पोल, भैरव पोल, नीबू पोल, चौगान पोल और गणेश पोल हैं। इनको पार करने के बाद एक दालान और उसके बाईं और दाईं तरफ कई राजप्रासाद बने हुए हैं। खाद्य सामग्री के लिए बड़े बड़े गोदाम, अश्वशाला, हाथियों के बाड़े ये भी राजप्रासाद की सीमा में बने हुए हैं। महल में छोटे छोटे कमरे, सकरा चौक और छोटा बरामदा है। इनके द्वार भी इतने छोटे हैं कि इनमें झुककर प्रवेश करना पड़ता है। तो इन महलों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि महाराणा कुंभा ने स्वयं के लिए साधारण महल बनवाया था, जबकि बड़े दुर्गों और मंदिर व स्तंभों का निर्माण उन्होंने यहाँ पर किया था। तो कुंभलगढ़ को, इस दुर्ग के बारे में इतिहासकारों ने इसे सर्वोत्तम गिरी दुर्ग बताया है और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा उन्होंने इस दुर्ग के बारे में कहा है कि ये कुंभा का सामरिक और रचनात्मक गुणों का प्रतीक माना गया है। इसी तरह से श्री हरविलास शारदा ने भी इस दुर्ग को कुंभा की सैनिक और रचनात्मक मेधा का देन बताया है। और कर्नल टॉड ने भी इसकी तुलना सुदृढ़ प्राचीर बुर्जों और कंगूरों की दृष्टि से एट्रक्सकन से की है। तो ये दुर्ग अपने ऐतिहासिक महत्व
और सैनिक सुरक्षा में बेजोड़े ऐसा हम मान सकते हैं। इसके बाद हम जो दूसरा दुर्ग ले रहे हैं वो है मेहरानगढ़ का दुर्ग। मेहरानगढ़ का दुर्ग ये राजस्थान के पर्वतीय दुर्गों में विख्यात जोधपुर में है और इस किले का निर्माण जोधपुर के संस्थापक राव जोधा ने 1459 ईस्वी में करवाया था। इस किले के चारों ओर नगर बसाया था जो कि जोधपुर कहलाता है और इसके राज्य की राजधानी इसकी कोई राज्य की राजधानी भी बनाया था। तो ये मारवाड़ की जो पूर्व राजधानी थी मंडोर, वहाँ से ये किला 6 किलोमीटर दूर दक्षिण पहाड़ी पर बना हुआ है और किले की जो पहाड़ी है वो प्रसिद्ध योगी चिड़ियानाथ के नाम पर है, इसे चिड़िया टूप भी कहते हैं और इस किले का नाम चिंतामणि भी रखा गया था। मोर की पूंछ के आकार का होने के कारण ये मोर ध्वज भी कहलाता है और बाद में फिर इसे मेहरानगढ़ भी कहा गया था। ये भी एक काफ़ी विशाल दुर्ग है और इस किले के चारों ओर परकोटा है जो कि 20 से 100 फीट ऊंचा है और 12 से 20 फीट चौड़ा है। इस किले का क्षेत्रफल लंबाई में 500 गज, चौड़ाई में 250 गज है और दुर्ग में प्रवेश करने के लिए 2 प्रवेश द्वार हैं, ऐसा इसमें हमें मिलता है इसकी जानकारी के बारे में। तो ये भी पर्वतीय दुर्गों में उल्लेखनीय दुर्ग हैं और इस किले के बारे में जो 2 प्रवेश द्वार हैं, एक जयपोल है, दूसरा फतेहपोल है। फतेहपोल का निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने 1707 ईस्वी में मुगलों पर अपनी विजय की स्मृति में करवाया था और जयपोल का निर्माण 1808 में महाराजा मान सिंह ने जयपुर के राजा जग सिंह पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में बनवाया था। इसके अतिरिक्त इसी द्वार के दाहिने भाग में कुछ स्मारक और छत्रियां बनी हुई हैं जो कि युद्ध में वीर गति को प्राप्त जो हुए हैं सैनिक उनकी स्मृति में बनाई गई है। कीरत सिंह की छतरी के ऊपर की ओर देखने पर हमें लकड़ी का रहटनुमा चक्र दिखाई देता है जो कि जयपोल के ऊपरी हिस्से में पानी पहुंचाने के लिए बनवाया गया था। जयपोल में विशाल लोहे का फाटक लगा हुआ है जिसको महाराजा अभय सिंह की अहमदाबाद विजय के समय नीमाज के उदावत ठाकुर अमर सिंह द्वारा अहमदाबाद लूट में से लाया गया था और बाद में राजा मान सिंह ने उनके वंशजों से लेकर यहाँ पर लगवाया था। इस दुर्ग में गोपाल पोल, भैरव पोल, ध्रुव पोल, सूरज पोल, लोह पोल, लाखन पोल, इस तरह के अनेक द्वार हैं और लोह पोल का निर्माण राव जोधा ने करवाया था किंतु इसका अगला भाग पुनः राव मालदेव ने बनवाया था और बाद में विजय सिंह ने भी इस कार्य को पूरा किया था। इस पोल पर लोहे के मजबूत फलक लगाए गए हैं जिससे वह हाथियों के द्वारा तोड़ा ना जा सके। इस द्वार की दीवारों पर खुदे हुए 7 सतियों की स्मृति को ताज़ा करते हैं। इसी पोल के समीप सिलेखाना स्थित है। लाखन पोल में राव मालदेव ने मंदिर बनवाया था और यहाँ पर भी छोटा और सकरा दरवाज़ा है जो आपात समय में किले से पलायन के लिए प्रयुक्त किया जाता होगा। मेहरानगढ़ पर हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य कला की छाप दिखाई देती है। महलों में मोती महल, फूल महल, फतेह महल, ये कला की दृष्टि से अद्भुत हैं। इनकी छतों और दीवारों पर कलात्मक चित्रकारी दिखाई देती है। किले में लाल पत्थर की जालियों का काम भी है जिससे भवनों में प्रकाश की पूरी सुविधा रहती थी। मोती महल को महाराजा सूर सिंह ने 1594 से 1619 के बीच बनवाया था और इसकी दीवारों पर, छत पर सोने का आवरण महाराजा तख्त सिंह ने लगवाया था।
इसकी दीवारें और छतें सुंदर नक्काशी की प्रतीक है, और साथ ही दरवाजों में रंगीन शीशे भी लगे हुए हैं। रानियों के लिए महलों में दरवाजे और खिड़कियों के पीछे दरबार की कार्यवाही को देखने की दृष्टि से ये लगाए गए थे, और ऐसा प्रतीत होता है कि ये व्यवस्था मुगल दरबार से प्रभावित रही होगी। फूल महल का निर्माण महाराजा अभय सिंह ने 1724 ईस्वी में करवाया था, और ये भी अत्यधिक कलात्मक भवन कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसमें पत्थर की खुदाई का कार्य भव्य एवं दर्शनीय है, और इसके अलावा फूल महल की छत और स्तंभ दीवारों पर हिंदू देवताओं और फूल पत्तियों की चित्रकारी की गई है, वो भी दर्शनीय है। तो इस तरह से बिना बिंब की लंबी चौड़ी छत, ये स्थापत्य कला का इस दृष्टि से उत्कृष्ट नमूना है। इस छत में लाभखा तकनीक का प्रयोग किया गया है। इस तकनीक में लकड़ी के फर्श पर पहले चूने को डालकर वर्षों तक उसे सुखाकर मजबूत किया जाता है, और बाद में इसमें कलात्मक चित्रकारी के लिए कांट छांट कर इस भवन में लगा दिया जाता है। इस महल की छत में नज़र के टीके के रूप में चार काले धब्बे भी दिखाई पड़ते हैं। फतेह महल को महाराजा अजीत सिंह ने 1708 ईस्वी में बनवाया था, और उन्होंने मुगलों को बाहर निकालने के बाद इसका निर्माण आरंभ करवाया था। राज्य के जवाहरात इसी महल में रखे जाते थे। इन भवनों के अतिरिक्त ख्वाबगाह का महल, दौलत खाना, तख्त विलास, धोकेलाब महल, बिचला महल, ये छोटे महल भी यहाँ पर बने हुए हैं, और इन सभी महलों का निर्माण राज्य के विभिन्न शासकों ने किया था। मेहरानगढ़ दुर्ग में जनाना महल है, सिले खाना, तोपखाना और पुस्तक प्रकाश नामक राज की पुस्तकालय भी निर्मित है। लाल पत्थर से निर्मित जनाना महल स्थापत्य कला का सर्वोत्तम नमूना है। ये दो मंजिला भवन है, और इसकी प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई सामान्य से अधिक है। महल में 7 अलग अलग दरवाजे हैं, जिनसे ये प्रतीत होता है कि अलग अलग रानियों की रहने की अलग अलग व्यवस्था इसमें की गई थी। पुस्तक प्रकाश की निर्माण का श्रेय महाराजा मानसिंह को है। उन्होंने 1805 में इसकी स्थापना की थी। इसमें कुल 10,286 पुस्तकें हैं, जिनमें 10,230 हस्तलिखित संस्कृत की पुरानी कीमती पुस्तकें हैं। वर्तमान में इसमें 10,000 से भी अधिक पुस्तकें और पांडुलिपियां हैं। इनमें लगभग 5,000 बहियां भी हैं, जिनमें राज परिवार के रीति रिवाज, जनाना और सरदारों के जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। दुर्ग में दौलत खाने के आंगन में महाराजा भक्त सिंह के द्वारा निर्मित श्रृंगार चौकी है। यह आयताकार संगमरमर की पत्थर पर एक छोटी और सादी संगमरमर की चौकी बनी हुई है। इसको मारवाड़ के राठौड़ महाराजाओं के राज तिलक के लिए प्रयोग में लाया जाता था। दुर्ग में चामुंडा देवी का एक छोटा सा भव्य मंदिर भी है, और इस मंदिर का निर्माण के लिए माना जाता है कि राव जोधा ने करवाया था। वैसे चामुंडा परिहारों की कुलदेवी है, किंतु जब से राठौड़ों ने मंडोरों से इसे जीता, तब से वे चामुंडा देवी के उपासक बन गए थे। 1857 में मंदिर के समीप स्थित बारूद खाने में जब भयंकर विस्फोट हुआ, तो ये मंदिर नष्ट हो गया था। इसके बाद 200 नागरिकों ने अपने घरों उस दौरान दबकर मर गए थे। महाराजा तख्त सिंह ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, और किले में आनंद घनजी व मुरली मनोहर जी, इनकी भी प्रमुख मंदिर हैं। महाराजा अभय सिंह ने इन दोनों मंदिरों का निर्माण करवाया, और मुरली मनोहर जी के मंदिर में महाराजा गज सिंह ने 4 मण और 22 शेर वजन की चांदी की मूर्तियां बनाकर स्थापित की, और आनंद गंजी के मंदिर की मूर्तियां बल्लोर पत्थर कांच की है, और इन मूर्तियों को अकबर ने महाराजा सूर सिंह को दिया था। ऐसा माना जाता है कि अकबर ने ये महाराणा
महाराजा सूर सिंह को दिया था। मेहरानगढ़ का प्राचीर भी सुदृढ़ और चौड़ा है, इसी में कुछ छोटी बड़ी तोपें रखी गई हैं और वर्तमान में जोधपुर दुर्ग में एक आकर्षक संग्रहालय की स्थापना इसमें कर दी गई है, जिसमें दुर्ग के मुख्य आकर्षण को रखा गया है। तो राजस्थान की प्रमुख दुर्गों में मेहरानगढ़ का दुर्ग भी इसलिए महत्वपूर्ण है।